बड़ी खबर आ रही उत्तराखंड के हरिद्वार से। थाना भगवान के अंतर्गत ढांडा जलालपुर में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा में पथराव करने का आरोप लगाते हुए एक पक्षीय कार्यवाही कर तमाम लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर दूसरे पक्ष की समस्या की अनदेखी के चलते आज भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से मुलाकात की। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि पुलिस द्वारा किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित मुस्लिम परिवार के लोगों ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से भी मुलाकात कर अपना दर्द बयां किया, जिस पर डीएम ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, न्याय सभी का हक है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि आप जिसे भारतीय संविधान में प्रमुखता के साथ माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें और सरकार धर्म के आधार पर किसी भी कोई भी भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। ऐसा एक मामला होता भगवान में, उसके बाद में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एक ही तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना दो दिन पूर्व हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसमें रात में जो घटना हुई तो हम लोग मौके पर पहुंचे थे और फिर लोगों को समझा बुझा कर माहौल को शांत किया गया। आज के समय में जिस पूरी तरह से नियंत्रण में है, अभी ये तथ्य आपने संज्ञान में लिया है कि केवल एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। इसमें मेरा अनुरोध ये है कि इसमें जो भी दूसरा प्रभावित पक्ष है उसको अपनी रिटर्न की तहरीर देनी चाहिए पुलिस को, और मैं इस संबंध में इस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अभी बात भी करूँगा इस विषय को लेकर। देखिए, कानून का हमारा काम केवल यह है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी पक्ष ने अगर किसने गलत किया है तो उसको जो हमारे प्रचलित विधि के व्यवस्थाएँ हैं उसके तहत उसको दंडित होना पड़ेगा, और जो निर्दोष है उसको जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष ही कार्रवाई करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। सर, लोगों को क्या कैसे चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा ऐसी घटना की गई थी, तो वो चिन्हित कैसे किया जा रहा है? देखिए, इसमें जो मुझे अभी तक जानकारी है कि जिन्होंने पत्थर फेंके थे उनके नाम को शायद नामजद रिपोर्ट थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने क्या तहरीर दी है कि नहीं दी है, और दी है तो उन्होंने किसी को नामजद किया है कि नहीं किया है, ये एक विषय है, ये पुलिस को देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता है कि अगर कभी किसी अज्ञात के खिलाफ ही अगर मुकदमे होते हैं, अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है तो पुलिस के पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, मौके पर वीडियोग्राफी हुई होगी और भी कौन कौन भीड़ में था, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो लेट डू पुलिस हिज जॉब, और मैं इस पर जरूर आपको आश्वस्त करना हूँ, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई अवश्य की जाए। फिर इसमें एक बात सामने आ रही है, जैसे रूट से अलग हट के वो कहीं गए, उसमें भी झगड़ा कारण बनाया था जो तय रूट था, ऐसा तो नहीं है जो वहाँ पर बताया गया। मुझे गुरुदाम दोस्त यही बताया गया कि जो रूट वहाँ के SDM अभी आए हुए थे भगवानपुर के, इन्होंने परमिशन दे रखी थी। टाइमिंग का शायद कुछ उसमें हेर-फेर चेंज हुआ है, डिले हो गया था थोड़ा सा, लेकिन रूट का ऐसा कोई विषय नहीं है, शायद रूट से हट कर। विधानसभा का है डाडा जलालपुर गाँव का है, जहाँ पर डाडा पट्टी से हनुमान जी की शोभा यात्रा यानी कि उनके जन्म उत्सव पर कुछ बजरंग दल के लोग। देखिए, मेरा कहना सबसे पहले यह है, अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो आप एक संदेश देना चाहते हैं शोभा यात्रा के माध्यम से, तो आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, एक अच्छा संदेश देना चाहिए। लेकिन कहाँ से ऐसी परमिशन दी गई कि शोभा यात्रा में हथियारों के साथ में शोभा यात्रा निकाली गई, तलवारों के साथ में शोभा यात्रा निकाली गई? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग शोभा यात्रा निकालने के लिए आए थे या दंगा करने के लिए आए थे? और फिर कुछ अनावश्यक चीज़ें हुई जिसमें मुस्लिम समाज के घर भी जलाए गए हैं, उनकी गाड़ियां तक जला दी गई हैं, और उल्टा मुस्लिम समाज पर मुकदमे किए गए हैं। आज उसी के उसमें हम आज मिलने के लिए, इसी मुद्दे को लेकर आज हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए। उन्होंने हमें आश्वासित भी किया, और जो तहरीर थाने में देने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब ने उस पर संज्ञान लेते तत्काल हमें आश्वासित किया कि जिन लोगों ने ऐसी अनावश्यक चीज़ों को बढ़ावा दिया है और जो CCTV फुटेज या कोई वीडियो में पाए जाते हैं, जांच चल रही है, उन सब पर मुकदमा किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी, ये आश्वासन SSP साहब ने दिया है। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।